जो पहला शेयर है वो है पावर सेक्टर जुड़ी हुई कंपनी जीएमआर पावर। ये ऐसी कंपनी है जिसमें हमने देखा कि बहुत रिटेल निवेशकों ने जो है का दाव लगाया, उनके पोर्टफोलियो में रहा एक दौर में। इस साल इस शेयर में रिटर्न बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला, केवल 8% का रिटर्न देखने को मिला। अभी भाव कह सकते हैं 25 रुपये से थोड़ा सा नीचे है, 24 रुपये 95 पैसे का है। अच्छी बात यह है कि कंपनी के जो है पहली तिमाही के नतीजे काफ़ी बेहतर देखने को मिले थे, और लगातार स्मार्ट मीटरिंग पे जो सरकार खर्च कर रही है स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर, उसका फायदा माना जा रहा है कि इस कंपनी को होता हुआ दिखेगा। अविनाश सर, जीएमआर पावर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, क्या राय है आपकी? देखिए, मुझे लग रहा है कि जैसे आपने कहा कि शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली बहुत अच्छा ट्रैक्शन आपको देखने को मिला है, क्योंकि नतीजे अच्छे हैं, प्लस इनकी ऑर्डर बुक काफी अच्छी है। तो मेरे ख्याल से देखिए, जिनके पास है वो होल्ड करे। मैं इसको थोड़ा सा निचले लेवल पे खरीदना चाहूँगा, क्योंकि उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड शायद थोड़ा और अच्छा हो। लेकिन नियर टर्म में हमको लग रहा है कि कम से कम 28-30 का एक मीडियम टर्म टारगेट आपको मिल सकता है। हालांकि ये छोटा प्राइस शेयर है, तो बड़ी क्वांटिटी में शेयर इन्वेस्टर्स खरीद सकते हैं, लेकिन अगर 22-23 रुपये तक आता है तो मेरे ख्याल से अच्छी खासी रिटर्न मिलेंगे। तो यहाँ पर होल्ड करने की राय रहेगी मेरी। होल्ड करने की राय होगी, जीएमआर पावर में और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकते हैं। राघवेंद्र, जीएमआर पावर और पावर देगा? गुड आफ्टरनून मनीष जी, हमें लगता है जीएमआर पावर ओवरऑल अपना डेट रिडक्शन काफी अच्छे से कर रहा है, और इसका जो दूसरा ग्रुप कंपनी है जीएमआर इंफ्रा एयरपोर्ट्स, उसमें भी काफी बड़ा अपटिक आया है, मैनेजमेंट का बाइंग है। तो इस प्राइस पर अगर आप जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा लेते हैं तो एक 40% का अपसाइड मिल सकता है। इसका टारगेट 35 रुपये का आता है, तो ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखिए। थोड़ा संयम ज्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि हाई बीटा स्टॉक है, बट अगर आप 1 साल की अवधि के लिए रखते हैं तो इसमें 40% अपसाइड मिल सकता है, 35 रुपए का टारगेट आएगा जीएमआर पावर पर।